हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। और लास्ट वीडियो में हमने फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम के बारे में देखा था, तो आज हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो कंपैक्शन एक तरीका है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम की बात की थी, जो दो तरह के थे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को नॉर्मली हम मैनेज नहीं करते हैं। क्यों नहीं मैनेज करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में जाने। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम है क्या? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान कंटिन्यूअसली प्रोसेस मेमोरी में लोड और अनलोड होते रहते हैं, जिसके कारण छोटे छोटे चंक्स बन जाते हैं मेमोरी में फ्री स्पेस का। तो अगर यहाँ हम देखें तो हमारे पास कितना फ्री स्पेस है, 30 KB प्लस 10 KB एंड प्लस 10 KB, यानी टोटल हमारे पास 50 KB स्पेस अवेलेबल है, लेकिन ये कंटिन्यूस ब्लॉक में नहीं है। मान लें कि अगर कोई प्रोसेस 5 अराइव होता है जिसे 45 KB मेमोरी स्पेस की जरूरत है, हमारे पास ऑलरेडी 50 KB स्पेस है, फिर भी हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस नहीं है। तो इसको दूर करने के लिए हम कंपैक्शन का यूज करते हैं। कंपैक्शन है क्या? ये एक टेक्निक है जो सारे फ्री मेमोरी स्पेस को मेमोरी में एक साइड इकट्ठा कर देता है और जितने भी प्रोसेस हैं उनको मूव करके दूसरे साइड इकट्ठा कर देता है, जिसके कारण हमारा फ्री स्पेस, सारा टोटल फ्री स्पेस मिलकर एक बड़ा मेमोरी का चंक बन जाता है जिसमें किसी ऐसे प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमेशा कंपैक्शन प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। कंपैक्शन कब किया जा सकता है? जब हमारा रीलोकेशन डायनेमिक हो और एग्जीक्यूशन टाइम पर हम किसी प्रोसेस को एक जगह से दूसरे जगह रीलोकेट कर पाए, तभी हम कंपैक्शन का यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी प्रोसेस को एक स्पेस से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो उससे होगा क्या कि उस प्रोसेस के जितने वेरिएबल या इंस्ट्रक्शंस हैं उन सब का एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो अगर हमारा सिस्टम ये अलाउ करता है कि हम रीलोकेट कर सकते हैं प्रोसेस को, तभी हम कंपैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए। अब यहाँ एक एग्जांपल हम देखें। यहाँ जैसे ये हमारा मेमोरी है जिसमें कुछ स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व है। यहाँ 20K का एक होल है, देन कोई प्रोसेस चल रहा है प्रोसेस ए, फिर 10K का एक होल है और फिर प्रोसेस चल रहा है प्रोसेस बी और फिर 10K का एक होल है। अब कंपैक्शन के थ्रू क्या होगा, ये सारे प्रोसेस को इसने क्या किया, एक साइड में इकट्ठा कर दिया। यानी हमें किस किस के लिए स्पेस चाहिए था, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, प्रोसेस ए के लिए और प्रोसेस बी के लिए। तो सारे प्रोसेस एक साइड में शिफ्ट हो गए और जो टोटल हमारा फ्री स्पेस है अब ये 40K है। तो इस 40K में अगर कोई प्रोसेस फिट बैठता है तो हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे होल्स को ये इकट्ठा करके एक जगह एक ब्लॉक बना देता है जिसमें किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल होता है। अब अगर हम कंपैक्शन के एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें एडवांटेज क्या है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ये कम करता है, साथ ही मेमोरी का एफिशिएंट यूज हो पाता है। क्योंकि ये ब्लॉक हमारा बना बड़ा हो गया तो हम किसी प्रोसेस को उस ब्लॉक में रन कर पाते हैं और मेमोरी हमारा क्या हो जाता है, कंटिग्यूअस होता है, फ्री मेमोरी स्पेस कंटिग्यूअस स्पेस में चला जाता है। साथ ही साथ इसमें इस लोकेशन पर हम किसी नए प्रोसेस को लोड कर सकते हैं अगर वो उतने स्पेस में फ्री बैठ सकता है तो। साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे सिस्टम एफिशिएंसी रिड्यूसेस। क्यों? क्योंकि हमें बार बार, जब भी हमारे पास फ्री स्पेस क्रिएट होता है, हमें बार बार रिलोकेट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की एफिशिएंसी इसके कारण घटती है और साथ ही हमारा एक्स्ट्रा टाइम भी जाता है। क्यों? कंपैक्शन को परफॉर्म करने के लिए, हर प्रोसेस को रिलोकेट करना, उसका एक नया एड्रेस जनरेट करना और सारे फ्री ब्लॉक को एक साइड में इकट्ठा करना, ये टाइम टेकिंग जॉब होता है। और इस समय कई बार ऐसा होता है कि सीपीयू
आइडियल बैठा होता है, उसके पास कोई और काम नहीं होता है, कोई इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है उस समय जब कंपैक्शन चल रहा है। तो हमेशा ये कंपैक्शन को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होता है। तो यहाँ तो हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे थे, जिसको अगर हम वहाँ इसको सॉल्व करें तो शायद हमारे पास इतना बड़ा ब्लॉक बन जाए कि हम किसी प्रोसेस को वहाँ फिट कर पाए। लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या था, बहुत ही छोटे छोटे ऐसे मेमोरी के होल। तो अगर हम उस पर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, इतना टाइम देंगे, तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इतने छोटे होल्स होते हैं कि इनको अगर हम एक जगह भी इकट्ठा कर पाए तो शायद ही हम किसी प्रोसेस को उसमें रन कर पाए। तो इसलिए नॉर्मली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की जाती है, क्योंकि ये बहुत छोटे होल्स होते हैं। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने का ये एक तरीका था कंपैक्शन। और ये अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।